नामांकन किया है और निश्चित रूप से हम लोग जीते। 7 बार हमने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया तो निश्चित रूप से मेरा पुत्र पहली बार वहाँ आएगा और लगातार हमारे जैसा ही आएगा। उसमें विशेष करके शिक्षा संबंध में हम लोग ज़्यादा जोर, अवैध जो है वो बंद करके एकदम जो खनन का जिसका रहेगा पट्टा उसको। पूंजीपति जो यहाँ पर झारखंड में नजर गड़ा के बैठी हुई है उसको झारखंड से भगाना है, हमारा मेन मुद्दा है। यहाँ के जो आदिवासी है, किसान है, उनके जो हक और अधिकार है उनकी रक्षा करना मेन मुद्दा जो हमारा है। पूरा अपने जो कार्यकाल में जब भी विधायक थे एक बड़ी लकीर खींची है, मेरे ख्याल से उसको मिटाना संभव नहीं है और मेरे लिए उनका आशीर्वाद है ये और हम जरूर जीतेंगे। पार्टी ने टिकट दिया, नामांकन किया है और निश्चित रूप से हम लोग जीते। दादा ये बताइए ना, इस बार क्या लगता है कि आपके पुत्र उस विरासत को बचाने? बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये निश्चित रूप से बचाएगा। 7 बार हमने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया तो निश्चित रूप से मेरा पुत्र पहली बार वहाँ आएगा और लगातार हमारे जैसा ही आएगा। चलिए विकास का मुद्दा रहेगा उसमें कहीं दो मत नहीं रहेगी, उसमें विशेष करके शिक्षा संबंध में हम लोग ज्यादा जोर दें। समस्या देखिए विशेष समस्या है उधर कोई है, आपका पत्थर खदान सब है, वहाँ का जो लेबर वगैरह बंद होने के चलते इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग उसको देखभाल करके निश्चित रूप अवैध जो है वो बंद करके एकदम जो खनन का जिसका रहेगा पट्टा उसको। दादा का टिकट कट गया, वो सागर मरांडी के पुत्र थे, 40 साल उन्होंने क्षेत्र की सेवा की, 5 साल खुद की है, ऐसे में उनका टिकट कटना क्या क्या कहें? इस पर नो कमेंट। बहुत खुशी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार ने जो जनता के लिए किया है, इतने सारे योजनाएं दिए हैं, निश्चित तौर पर शिकारीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत रही है। क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे हैं जैसे पूंजीपति है जो यहाँ पर झारखंड में नजर गड़ा के बैठी हुई है उसको झारखंड से भगाना है, हमारा मेन मुद्दा है। यहाँ के जो आदिवासी है, किसान है, उनके जो हक और अधिकार है उनकी रक्षा करना मेन मुद्दा जो हमारा है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर जीत पर कितना भरोसा है आपको? जीत पर पूरा भरोसा है, 200% भरोसा है, जीत जरूर जीतेंगे यहाँ से। नलिन का काम कितना आपको काम आएगा? बहुत ही, उन्होंने पूरा अपने जो कार्यकाल में जब भी विधायक थे एक बड़ी लकीर खींची है, मेरे ख्याल से उसको मिटाना संभव नहीं है और मेरे लिए उनका आशीर्वाद है ये और हम जरूर जीतेंगे। आपके सामने पारितोष जी, उसको कैसे आप? पारितोष सोरेन पहले भी लड़ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, अब मेरे ख्याल से अब अभिनेता बन गए, सुनते हैं तो बेहतर होगा, उसी फील्ड में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। बीजेपी जिस तरह से मुद्दा उठा रही है, कह रही है घुसपैठी का मुद्दा है या जो हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हैं, बीजेपी का काम ही, और काम क्या है, लोगों को बांटना तोड़ना जो मुद्दे नहीं है। घुसपैठिया बोल रहे हैं हमारा तो झारखंड कहीं कोई बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये तो केंद्र की बात है ना, वो जाने, जबरदस्ती मुद्दा उठाने से तो नहीं है। एक सेट में हमने नामांकन भरा है। हो गया, चलिए धन्यवाद।